ब्रिज कितने खूबसूरत होते हैं ना, नदी या फिर नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का एक जरिया। सदियों पहले नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा करने में जरूरत से ज्यादा समय लग जाता था और एक बार में लिमिटेड लोग ही नदी या नहर को पार कर पाते थे। इसके बाद कुछ लोगों ने लकड़ियों के ब्रिज बनाने स्टार्ट किए, जिसके बाद देखते ही देखते भारी भरकम लोहे और कंक्रीट के मजबूत ब्रिज बनने लगे। लेकिन समय के साथ साथ अब दुनिया भर में ऐसी टेक्नोलॉजी वाली एडवांस ब्रिज बनने लगी हैं, जिसको देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं होता। वैसे तो आपने अब तक कई एडवांस ब्रिजेस को देखा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे एडवांस और अजीबोगरीब ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं और उन्हें दिखाने वाले भी हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आप इसी दुनिया में हैं या फिर आज से 50 साल बाद वाले किसी और दुनिया में। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रोलिंग ब्रिज। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को अगर दुनिया का सबसे यूनिक ब्रिज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो जरूरत पड़ने पर रोल होकर एक गोल और खूबसूरत आकृति बना लेता है। रोलिंग ब्रिज लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे पानी के ऊपर बना है, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा और शानदार रूप है। जब भी कभी उस रास्ते से किसी पानी के जहाज या फिर बोट को गुजरना होता है, तो इसमें लगे हाइड्रोलिक पंप की मदद से वो ब्रिज फोल्ड हो जाता है। बिल्डिंग के नीचे से एक छोटी नहर गुजरने की वजह से वहां पर हर वक्त बोट की आवाजाही होती रहती है, इसलिए उस जगह पर किसी फिक्स ब्रिज को बनाना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने पर बोट का रास्ता बदलना पड़ता। इंजीनियर्स ने इसका एक गजब का सलूशन निकाल लिया और दुनिया के सामने आया ये अनोखा ब्रिज, गेट शेड मिलेनियम ब्रिज। अब हम आपको जिस बेहतरीन और यूनिक ब्रिज को दिखाने वाले हैं, उस ब्रिज को भी ब्रिटेन में बनाया गया। इंग्लैंड में बने इस यूनिक डिजाइन वाले ब्रिज की चर्चा पूरी दुनिया में बनी रहती है, क्योंकि ये दुनिया का पहला अकेला ऐसा ब्रिज है जो इस तरह से काम करता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है और दुनिया भर के लोग इसे टिल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। टिल्ट ब्रिज को 1996 में डिजाइन किया गया था और बनने के बाद साल 2001 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। इसके अनोखे डिजाइन की वजह से इसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसे बनाने में कुल 2 साल का वक्त लगा था। इसे खासकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस नदी में बड़े बड़े जहाजों का आवागमन जारी रहता है। जब भी कोई जहाज इस रास्ते से गुजरता है तो ब्रिज को मोटर की मदद से 40 डिग्री तक टेढ़ा कर दिया जाता है। 2 साल में बनकर तैयार हुए इस 126 मीटर लंबे ब्रिज को बनाने में लगभग 215 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आया था। वैसे इस शानदार और अनोखे ब्रिज के लिए एक लाइक तो बनता है। सलाव हॉफब्रुक ब्रिज। अब हम आपको जिस ब्रिज को दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप साल 2021 या 22 में जी रहे हैं। इस ब्रिज को इतने अनोखे और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे देखकर लगता है आप किसी रोबोटिक दुनिया में आ गए हैं। यही वजह है कि इस ब्रिज को ट्रांसफॉर्मर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज नीदरलैंड में 2 सड़कों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ के नहर में भी शिप के लगातार चलने की वजह से किसी फिक्स ब्रिज को बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इंजीनियर ने एक गजब का दिमाग लगाया और कम लागत में उन्होंने एक अजीबोगरीब से दिखने वाले ब्रिज को खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। इसके पीछे लगा रोलर किसी शिप के आने के दौरान प्लेट को उठा देता है, जिसके बाद ये जहाज यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये ब्रिज आर्किटेक्ट की दुनिया का एक बेहतरीन नमूना है। इस ब्रिज को साल 2000 में ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। फॉलकिर्क व्हील। अब हम आपको जिस ब्रिज को दिखाने जा रहे हैं, ये ब्रिज किसी इंसान को चलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इस ब्रिज को पानी के जहाज के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। फॉलकिर्क दुनिया की पहली ऐसी लिफ्टिंग ब्रिज है जिसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि बोट के लिए बनाई गई है। ये बेहद ही अद्भुत और यूनिक ब्रिज है। इसे रोटेटिंग एलिवेटर फॉर बोट्स भी कहा जाता है। इस ब्रिज की मदद से बोट को एक नहर से दूसरी नहर में ले जाया जाता है। इस ब्रिज की हाइट 35 मीटर है। इसे मॉडर्न साइंस की बेहतरीन एग्जाम्पल कहना गलत नहीं होगा। इसमें लगे व्हील्स किसी भी बोट को 5 मिनट में नीचे से ऊपर उठाकर दूसरे नहर में शिफ्ट कर देता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंस के इस नायाब नमूने को बनाने के पीछे 797 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया गया था, जो कि ब्रिटेन में बना था। पॉन्ट जैकस कैबन ब्रिज। अब हम आपको जिस ब्रिज को दिखाने जा रहे हैं, ये ब्रिज अपने आप में इकलौता और सबसे अनोखा है।
फ्रांस से निकलने वाली गोरॉन नदी के ऊपर दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज बना है। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज था जो अपनी हाइट से वर्टिकली ऊपर चला जाता था। दोस्तों, इस ब्रिज को साल 2009 में बनाना शुरू किया गया था और 2012 में बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद खुद इस देश के प्रेसिडेंट आकर मार्च 2013 में इस अनोखे ब्रिज का उद्घाटन किए थे। इस नदी से लगातार आने वाले बड़े क्रूज शिप की वजह से यहाँ ब्रिज बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और इसीलिए यहाँ के इंजीनियर ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया। ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है और अपने हाइड्रोलिक लिफ्ट पिलर की वजह से कुछ ही मिनटों में 50 मीटर से ऊपर चला जाता है। ये ब्रिज हर साल 150 से अधिक बार अप डाउन करता है ताकि बड़े बड़े जहाज उस ब्रिज के नीचे से आसानी से निकल पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रिज को बनाने के पीछे 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्चा कर दिया गया था। हॉर्न ब्रिज, जर्मनी। अब हम आपको एक ऐसा ब्रिज दिखाने जा रहे हैं जिसे पहली बार जब पब्लिक के लिए ओपन किया गया था तो दुनिया हैरान रह गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इतना बेहतरीन और दुनिया का सबसे अलग तरह का दिखने वाला ब्रिज जर्मनी में 1997 के दौर में ही बनकर तैयार हो गया था। कई सालों की मेहनत और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद इस ब्रिज को डिजाइन किया गया था। इस ब्रिज के तीन अलग अलग भाग हैं और ये तीनों फोल्ड होकर एक साइड में हो जाते हैं, वहीं कुछ ही मिनट में अनफोल्ड होकर वापस अपना आकार ले लेते हैं। इसे लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया, जो हर दिन जरूरत के अनुसार कई बार खुलता और बंद होता रहता है। स्केल लेन ब्रिज। स्केल लेन भी दुनिया का सबसे अजीबोगरीब ब्रिज है। इस ब्रिज का आकार इतना अजीबोगरीब है कि अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अनोखा सा स्ट्रक्चर आखिर है क्या। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो ऊपर या नीचे नहीं बल्कि साइड होकर बोट के लिए जगह बनाता है। ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक ब्रिज है। यहाँ पर खड़े होकर आप आराम से सैकड़ों बोट को आते जाते देख सकते हैं। इस मॉडर्न और अमेजिंग ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च कर दिए गए थे। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। इसे कंक्रीट और स्टील से बनाया गया था और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 57 मीटर लंबा है और एक साथ में 1000 से अधिक लोगों को कैरी कर सकता है। इस अनोखे ब्रिज को साल 2013 में बनाकर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। फ्लाइंग कैरी। ये ब्रिज दुनिया का सबसे अजीबोगरीब ब्रिज है। असल में इस ब्रिज को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी भरकम झूला हो। इस अनोखे झूलने वाले ब्रिज को दो सिटीज को जोड़ने के लिए बनाया गया है। बनाते वक्त सरकार ने इंजीनियर के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि एक ऐसा डिजाइन बनाया जाए जिससे इस नदी में चलने वाले बोट और उसमें जाने वाले लोग दोनों को कोई तकलीफ और इंतजार ना करना पड़े। इसलिए आर्किटेक्ट ने इसे इस तरीके से डिजाइन कर दिया। ये ब्रिज एक समय पर 6 कार और कई दर्जन लोगों को एक साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ सकता है। ये अनोखा ब्रिज भी अपने डिजाइन का इकलौता ऐसा ब्रिज है। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया में कैसे कैसे ब्रिज मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर ब्रिज तो यूरोपियन कंट्रीज में ही मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई खास ब्रिज नहीं बना। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है जो कि चिनाब नदी पर बना है। चिनाब नदी पर बना ये पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है जो कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। इसमें 467 मीटर का मेन आर्क स्पैन है। ये अब तक बनी किसी भी ब्रॉड गेज लाइन का सबसे लंबा आर्क स्पैन है। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक ऊंचा होगा। वैसे अब तक आपने जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ब्रिज को देखा, उनमें से सबसे बेहतरीन ब्रिज आपको कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हमें ये भी बताएगा हमारा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।